हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू डिस्कवरी इंटरनेशनल स्कूल एंड दिस इज द दिक्क लेक्चर इन द सीरीज ऑफ एन टी एस सी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन एंड टूडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑन द चैप्टर साउंड एंड वेव्स आज बच्चों हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे साउंड और वेव्स चैप्टर का जो कि है ह्यूमन ईयर एंड इट्स वॉकिंग ह्यूमन ईयर किस तरीके से काम करता है उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पोर्शन होते हैं किस पोर्शन का क्या फंक्शन होता है वो सब हम आज आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे बच्चों सो लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमन ईयर सो दिस इज ह्यूमन ईयर दिस इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन ईयर आप देख सकते हैं बच्चों लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द आउटर पोर्शन फर्स्ट सबसे पहले बच्चों हम आउटर पोर्शन से स्टार्ट करते हैं सो दिस आउटर सेक्शन जो हमारे कान का बच्चों जो आउटर वाला सेक्शन है जो कि हमको बाहर दिखाई देता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड पिना दैट इज बेसिकली कॉल्ड पिना सो पिना इज द आउटर सेक्शन पिना का काम ये होता है कि इट कलेक्ट्स द साउंड वेव्स ठीक है तो हमारे कानों तक जो साउंड वेव आ रही हैं वो कितनी कलेक्ट होती हैं उसको पिना का साइज डिटरमाइन करता है स्टूडेंट्स हमारे कान का जो रेगुलर साइज है वो जितना ज़्यादा लार्ज होता है उतनी ज़्यादा साउंड वेव्स हमारे कान के साथ इंटरेक्ट करती हैं हमारे कान पर उतनी ज़्यादा साउंड वेव्स पड़ती है सो so, पिना बेसिकली कंट्रोल्स साउंड वेव्स तो अगर हम पिना के बारे में समझें सो इज पिना इट कंट्रोल्स दिस अमाउंट ऑफ साउंड वेव्स जितना बड़ा पिना का साइज होगा बच्चों उतना ही ज्यादा साउंड वेव्स हमारी कान के साथ इंटरेक्ट करती हैं उतनी ज्यादा साउंड वेव्स हमारे कान पर पड़ती हैं ओके नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग हम बात करेंगे बच्चों किसके बारे में साउंड वेव्स जो होती हैं बच्चों वो इस पोर्शन से एंटर करती हैं हर हमारे ह्यूमन के ईयर में और सभी लोग सभी जितने भी एनिमल्स हैं बर्ड्स हैं सबके ईयर्स में क्या होते हैं बच्चों होल होता है एक जहां से साउंड वेव्स क्या करती हैं बच्चों अंदर एंटर करती हैं जहां से साउंड वेव्स अंदर एंटर करती हैं सो साउंड एंटर फ्रॉम दिस रीजन साउंड वेव्स क्या करती हैं इस रीजन में अंदर एंटर करती हैं और बच्चों अंदर एक कैनाल होती है कैनाल मींस लाइक अ स्मॉल ट्यूब एक छोटी सी ट्यूब की तरह एक पोर्शन होता है बच्चों जो कि हमारा बेसिकली क्या कहलाता है ईयर कैनाल कहलाता है क्या कहलाता है ईयर कैनाल ईयर कैनाल इज यूजुअली टू टू थ्री सेंटीमीटर लॉन्ग टू टू थ्री सेंटीमीटर तो ईयर कैनाल की जो लेंथ है बच्चों वो टू से थ्री सेंटीमीटर होती है सो बेसिकली दिस पिना एंड दैट ईयर कैनाल पिना और ईयर कैनाल मिलके जो पोर्शन बनाते हैं बच्चों उसे बोला जाता है आउटर ईयर उसे बोला जाता है बच्चों हमारे ईयर का बाहरी भाग आउटर पार्ट क्या है उसे वो किससे बना हुआ रहता है बच्चों पिना से और ईयर कैनाल के मिलने से बना हुआ रहता है नाउ साउंड वेव्स जब ईयर कैनाल से होते हुए एक छोटे से टाइप में पड़ती हैं ठीक है एक membrane, एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि बेसिकली साउंड वेव्स के पड़ने की वजह से वाइब्रेट कर सकता है क्या कर सकता है बच्चों वाइब्रेट कर सकता है तो बेसिकली होता क्या है यहां पर एक छोटी सी बच्चों में होती है और ये मेम्ब्रेन बेसिकली क्या कहलाती है हमारा ईयर ड्रम कहलाती है क्या कहलाती है इट इज कॉल्ड ईयर ड्रम ओके सो ईयर ड्रम इज बेसिकली द पोर्शन जो कि साउंड वेव्स के पढ़ने की वजह से वाइब्रेट करता है तो बच्चों जब साउंड वेव्स अंदर आती हैं तो जब साउंड वेव्स बच्चों कंप्रेशन प्रोड्यूस करती हैं तो वो इस ईयर ड्रम को इनवर्ड्स पुश करती हैं और जब रेयर फ्रैक्शन होता है प्रेशर कम होता है तो ये ईयर ड्रम जो है वो बाहर की ओर को आता है बच्चों ये प्रोसेस यूजुअली इतनी तेज होती है कि लगातार प्रेशर बढ़ने घटने बढ़ने घटने की वजह से यानी कि लगातार कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के रिपीट होने की वजह से ये जो ईयर ड्रम है बच्चों ये क्या करने लगता है वाइब्रेट करने लगता है ये वाइब्रेट करने लगता है ईयर ड्रम के जस्ट पीछे हैमर एनबिल और स्टिरप हैमर एनविल और इस्थरप इन तीन बोन्स का एक कॉम्बिनेशन होता है इन तीन बोन्स का बच्चों एक कॉम्बिनेशन होता है और ये तीनों बोन्स मिलके वाइब्रेट करती हैं जब भी ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है तो बच्चों ये जो हैमर वाला पोर्शन है ये ईयर ड्रम को टच करता रहता है सो इट टचेस ईयर ड्रम ये ईयर ड्रम को बच्चों टच करता है और इस पूरे के पूरे पोर्शन में भी क्या रहती है बच्चों हवा भरी हुई रहती है इस पूरे के पूरे पोर्शन के अंदर एयर रहती है ओके तो बच्चों जब भी ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है द द हैमर इज जस्ट टचिंग ईयर ड्रम तो जब ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है तो हैमर में ये वाइब्रेशंस ट्रांसफर होते हैं हैमर उन वाइब्रेशंस को एनविल को ट्रांसफर करता है और एनविल उन वाइब्रेशंस को स्टिरप को ट्रांसफर करता है एनविल उन वाइब्रेशंस को स्टिरप को ट्रांसफर करता है स्टूडेंट्स इस पूरे के पूरे पोर्शन के अंदर एयर भरी रहती है बिल्कुल वैसे ही जैसे आउटर ईयर के अंदर एयर होती है बच्चों और ये पूरे के पूरे पोर्शन में जो एयर होती है बच्चों वो बेसिकली कहां से आती है थ्रोट से आती है बच्चों हमारे गले से आती है तो बेसिकली इस पोर्शन में जो एयर है बच्चों उसको गले से लाने के लिए इस पोर्शन से एक ट्यूब निकलती है इस पोर्शन से एक ट्यूब निकलती है बच्चों जिसे बोला जाता है स्टैचियन ट्यूब क्या बोला जाता है ट्यूब बोला जाता है बच्चों ये इसीलिए होती है ताकि हमारे कानों का प्रेशर उतना ही बना हुआ रहे जितना कि एयर प्रेशर होता है ओके क्योंकि अगर बच्चों कानों के ऊपर प्रेशर अगर चेंज होगा तो साउंड का जो एम्पलीट्यूड आपको सुनाई दे रहा है वो बदलने लगेगा ठीक है अगर हमारे कान के ईयर ड्रम के ऊपर बच्चों अगर प्रेशर ज्यादा होने लगेगा तो उसको वाइब्रेट करने में मुश्किल होती है उसको वाइब्रेट करने में मुश्किल होती है बच्चों और मुश्किल होती है इसका सेंस क्या हुआ कि आपको स्मॉल एम्पलीट्यूड वाली ऐसी साउंड्स जिनके अंदर बहुत कम एनर्जी होती है उनको सुनने में दिक्कत होने लगती है बच्चों उनको सुनने में दिक्कत होने लगती है तो इसका काम क्या है यू ट्यूब का काम है कि ये पूरे के पूरे इस पोर्शन के हैमर एनविल ये जो पूरा पोर्शन है बच्चों इस पूरे पोर्शन के प्रेशर को किसके बराबर बनाए रखता है एयर प्रेशर के बराबर बना के रखता है एयर प्रेशर के बराबर बना के रखता है और कैसे रखता है बच्चों? इट इज कनेक्टेड टू द थ्रोट ये गले के साथ कनेक्टेड रहता है तो गले के अंदर यूजुअली हम क्या कर रहे हैं नॉर्मल एयर ले रहे हैं बच्चों बाहर की तो गले से ये एयर पास ऑन होकर कहा जाती है इस पूरे पोर्शन के अंदर जाती है और ये पोर्शन का प्रेशर उतना ही बना हुआ रहता है जितना एयर प्रेशर होता है है बच्चों अब ये जो स्टिरप बच्चों दैट इज बेसिकली कनेक्टेड टू अ ओवल विंडो ये बच्चों एक ओवल विंडो है ओवल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका शेप ऑलमोस्ट एग का जैसा होता है एक इलिप्स टाइप का होता है ठीक है और बेसिकली इस ओवल विंडो का, का काम क्या है ये ओवल विंडो भी बच्चों एक तरीके की मेम्ब्रेन है एक तरीके की मेम्ब्रेन है बच्चों तो बेसिकली हो क्या रहा है जो साउंड वेव्स अंदर आ रही हैं सबसे पहले ईयर ड्रम उन साउंड वेव्स की वजह से वाइब्रेट करता है इन वाइब्रेशंस को हैमर एनविल और स्टिरप मिलके ओवल विंडो तक ट्रांसफर कर देते हैं ओवल विंडो तक ट्रांसफर कर देते हैं बच्चों और ओवल विंडो के अंदर ओवल विंडो और बच्चों बच्चो स्टिर हैमर और ये ईयर ड्रम ये पूरा का पूरा पोर्शन मिलके क्या बनाता है बच्चों मिडिल ईयर बनाता है क्या बनाता है ईयर का जो बीच वाला पोर्शन है वो बनाता है बच्चों मिडिल ईयर बनाता है उसके बाद जब ये वाइब्रेशंस बच्चों कहां तक पहुंच जाते हैं ओवल विंडो तक पहुंच जाते हैं तो ओवर विंडो के अंदर बच्चों ऐसा स्पाइरल शेप का ऐसा स्पाइरल शेप का एक पोर्शन होता है जिसे बोलते हैं कॉकलिया बोला जाता है बच्चों इसे तो कॉकलिया जो है बच्चों वो इनर ईयर का पार्ट है वो क्या है इनर ईयर का पार्ट है ठीक है तो बच्चों कोकलिया के अंदर क्या होते हैं कॉकलिया के अंदर बच्चों एक स्पेसिफिक तरीके का फ्लूड भरा हुआ रहता है ठीक है और इस फ्लूड के अंदर साउंड सेंसिटिव सेल्स होते हैं साउंड सेंसिटिव सेल्स ठीक है साउंड सेंसिटिव सेल्स होते हैं बच्चों इन सेल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब भी इनके पास साउंड वाइब्रेशन पहुंचते हैं तो ये उनके बदले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं ये क्या करते हैं बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं ठीक है इन सेल्स के साथ कनेक्टेड बच्चों ऑडिटरी नर्व्स होती हैं दीज आर दी ऑडिटरी नर्व्स ये ऑडिटरी नर्व्स बच्चों कॉक्लिया के सेल्स के साथ कनेक्टेड रहती हैं और ये उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को कहां ले जाती हैं बच्चों ब्रेन तक ले जाती हैं तो ऑडिटरी नर्व्स का, का काम क्या है कॉक्लिया में जो भी कॉक्लिया के जो सेल्स होते हैं वो साउंड को सेंस करके क्या करते हैं बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स ब्रेन तक जाते हैं बच्चों प्रोसेस होने के लिए जिससे ब्रेन क्या करता है सेंसेशन ऑफ हियरिंग प्रोड्यूस करता है सुनने का सेंसेशन सुनने की भावना प्रोड्यूस करता है सो बेसिकली ऑडिटरी नर्व क्या करती है बच्चों इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को जो कि साउंड की, की वजह से प्रोड्यूस हुए उनको ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है बच्चों इस फ्लूड का एक और काम है फ्लूट जो है हमारी बॉडी की बैलेंसिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपने कभी भी देखा होगा कि अगर आप अपने हैंड्स को ऐसे करके या फिर स्ट्रेट करके लगातार ऐसे गोल गोल रोटेट करते हैं और बहुत तेजी से रोटेट करते हैं और एकदम से आप स्टेबल होने की कोशिश करते हैं तो आपको अपना सर घूमता हुआ लगता है ये घूमता हुआ इसीलिए लगता है बच्चों क्योंकि कॉकलिया का ये फ्लूड जो है ये बच्चों मोशन करना शुरू कर देता है दिस प्रोड्यूसेज मोशन और जब ये मोशन करना शुरू करता है तो हमारी बॉडी डिसबैलेंस होने लगती है बिकॉज ये कॉकलिया का फ्लूड ही बच्चों ब्रेन को बॉडी के बैलेंस्ड कंडीशन के सिग्नल्स भेजता है तो जब भी कॉकलिया फ्लूड डिस्टर्ब होता है तब तब आपको अपनी बॉडी क्या लगेगी बच्चों अनबैलेंस्ड होती हुई लगेगी सो so, आज के लेक्चर में हमने देखा कि जो हमारा पूरा का पूरा ह्यूमन ईयर है वो किस तरीके से वर्क करता है ह्यूमन ईयर तीन पोर्शन से बना हुआ रहता है बच्चों द आउटर ईयर विच इज अप ऑफ पिना एंड ईयर कैनाल एंड वी हैव द मिडिल ईयर विच इज अप ऑफ ईयर ड्रम

ट्यूब कनेक्टेड टू द थ्रोट जो थ्रोट से एयर को पास करके इस मिडिल ईयर वाले पोर्शन तक ले जाती है सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो सो इफ यू अंडरस्टूड द टॉपिक देन शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल प्रेस द नोटिफिकेशन बटन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स थैंक यू